नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया की कोई मजबूरी भी तो हो सकती है ना दादाजी? हाँ बेटा, मजबूरियां तो हम गरीबों को विरासत में मिलती हैं। कभी ये मजबूरियां हमें कर्जों के बोझ के तले दबा देती हैं, तो कभी खुद की नजरों में ही गिरा देती हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने उसूल, अपने आदर्श उन सबकी भेंट चढ़ा दें, बुजुर्गों से जो संस्कार हमें मिले हैं उन्हें भूल जाएं। अगर हर मजबूर इसी तरह हथियार उठाते रहेगा तो एक दिन ये दुनिया लाशों के ढेर में बदल जाएगी। रुकियो गए डीसीपी साहब, अगर वो आपके हाथ नहीं लगा तो उसकी जगह मुझे गिरफ्तार करके ले चलिए। मैं गिरफ्तार करने नहीं, आपसे कुछ पूछताछ करने आया था, लेकिन आपकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूं। ना ना, आप सही जगह पर आए हैं डीसीपी साहब, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वो कमबख्त मेरा ही खून है, मेरा पोता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा खून इस भ्रष्ट व्यवस्था का एक अंश बन जाएगा। मैंने उस अंश को मिटाने का प्रयास किया, उसके सीने पर रखकर ये दवाई थी, ये नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्यों नहीं? इसे चलाने के लिए इसे अनलॉक करना पड़ता है। इसे खींचिए, ये देखिए। हम पांच भाई थे डीसीपी साहब। दो शहीद भगत सिंह की रौ में बहकर शहीद हो गए और दो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ चले गए। खुशकिस्मत थे, चले गए, कम से कम देश के हालात तो नहीं देखने पड़े। मैं गांधी जी के साथ था, मैं बच गया और अब देश के ये हालात देखने पड़ रहे। लेकिन अब अहिंसा का ये पुजारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह की राह पर चलेगा, और अब आप लोग भी यहां से चले जाइए। नहीं, कोई बंदूक नहीं उठाएगा। दीनानाथ जी एक क्रांतिकारी हैं, इस वक्त गुस्से में है। मैं आपका आक्रोश समझ सकता हूं दीनानाथ जी, खुद पर काबू रखिए। जब गुस्सा ठंडा हो जाए इसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाइए। चलो मंत्री जी, माझी बात सुनेगा? वो एसीपी पाटिल और राणे को भी छुड़ाने का कोशिश करो। अरे चुप कर, एक मिनट सुनने दे। वो डीसीपी क्या बोल रहे से? हमारे ये नेता लोग किसी भी मामूली से गुंडे को या फिर हालात से लाचार किसी नौजवान को बढ़ावा देकर अंडरवर्ल्ड का डॉन बना देते हैं। आगे चलकर या तो वो मारा जाता है या जेल जाता है, या फिर उसे अपनी जमीन, अपनी गली, अपना मोहल्ला छोड़कर भागना पड़ता है, अपनों से दूर, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ होकर भी उनका अपना कुछ नहीं होता। बस यही बात मैंने बाबू बख्शी और गोविंद को समझाई और वो उन नेताओं की करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए तैयार हो गए। सुन लिया तन्ने? मारे ये आदमी मारे खिलाफ जबान खोलने जा रहे हैं, पर तू चिंता मत कर, मैं हरियाणा से बलवंदर सिंह को बुलाकर इन दोनों को मरवा दूंगा, ससुरे गोविंद और बाबू के। इन्हें पता नहीं से नेता से बड़ा गुंडा कोई नहीं हुए। अरे मंत्री जी, जब तक आपका बलविंदर हरियाणा से आएगा तब तक तो ये खूसट डीसीपी भगत आपला बैंड बजा चुका होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने यादव साहब को बुलवाया है। यादव को? हैं। लेकिन पटेल साहब वो तो अपोजिशन का मानुस है। अरे अपोजिशन का ये ना, कोई पुलिस या जनता का आदमी तो नहीं है ना? है? अरे वक्त आने पर हम और अपोजिशन वाले एक ही पोजिशन में आ जाते हैं, नहीं समझे? अरे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं यार। सर यादव साहब आ गए। जय हिंद बंधुओं, जय हिंद। अरे आप अकेले आए हो यादव साहब, सुखदेव नहीं आया? मैं आ चुका हूं भवानी चौधरी। पधारो भाई पधारो। बहुत खुशी हुआ आपको देखकर। बिना वर्दी के? परमार, मैंने तुमसे वादा किया था कि जिस दिन मेरी वर्दी उतर गई उस दिन मैं तुम्हारी डेड बॉडी को सैल्यूट मारने आऊंगा, पर अफसोस हालात ने मुझे तुम्हारी बिरादरी में लाकर खड़ा कर दिया। यादव साहब, आपने इन्हें मेरी कीमत बता दी? जी हाँ, बिल्कुल बतला दी है, लेकिन आप भी बतला दें तो अच्छा होगा। इन लोगों ने आज तक जो कुछ भी घोटाले कर कमाया है उसका 50% और यादव साहब के लिए एमपी का टिकट। जय हिंद। मैं क्या बोलता हूँ, आपको 50% मिल जाएगा और इनका टिकट भी हो जाएगा।
लेकिन आप वो बाबू बख्शी और गोविंद देड़ा का काम बजा डालो भाई। तुम लोग नेता लोग अक्सर वादे करके मुकर जाते हो, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा ही गेम बजा डालूंगा। चिल्लाने का नहीं, चिल्लाने का नहीं, नहीं तो इसकी बोलती बंद कर डालूंगा। ए गुरु, तेरे को एक बात भूल गया, इधर डाओ है ना, जब भी चलो एकदम कांच का टुकड़ा है यार। अभी मैं उसको टुकड़ा टुकड़ा कर डालता हूँ, देख। धरती नापना शुरू कर दे गोविंद, जान बचा के भागना भी चाहेगा ना तो ये धरती बहुत छोटी पड़ जाएगी। ए, फुल की सुने जाए, अपन थोड़ा अड़ाए, नाम गोविंद अड़ा, टेढ़ा कर डालूंगा तेरे 26 को। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। हे भगवान, हे भगवान, इधर आ, नाम बता इसको। भगवान, भगवान, इसके वास्ते मैं तेरे को छोड़ दूँ। हाँ, ये साला काल्या मेरे से ज्यादा चिकना दिखता है क्या? मैंने तो सुना था कि तुम जैसे लोग औरत जात की इज्जत पर हाथ नहीं डालते। अपन किधर तेरे इज्जत पे हाथ डाला, अपन तेरे को बियर बार से उठाकर स्टेज डांसर बनाया। हाँ हाँ बनाया, तुम नचाते रहे, पैसा कमाते रहे, मेरी मजबूरी नाचती रही, मैं नुमाइश बनती रही, कभी इनकार नहीं किया मैंने, लेकिन जब तुमने मेरे जिस्म की नुमाइश करनी चाहिए तब मैंने नहीं। वो नेता लोग तेरा नंगा नाच देखना मांगता था, अपन उनका बात टाल नहीं सकता था, क्योंकि उनका हाथ जब तक अपने पीठ पे है अपन जिंदा। हाँ बोल बाबू। ये नेता लोग तेरा और मेरा सुपारी दे डाला। हाँ? सुन मेरा बात सुन, ये तेरा येड़ा चाल छोड़ दे और अंडरग्राउंड हो जा। क्या ये नेता लोग राजू, तू श्वेता को अबे रुको, श्वेता चलो। लोग सब यूं ही खत्म कर दिए जाओगे। आज तुझे मारने के लिए मैं हूं, कल मेरी जगह कोई और होगा। अरे टपकाने का तो टपकाना, साले डायलॉग क्यों मारता है? अरे ज्यादा शाना मत बंद, ए चला गोली चला। खबर मिली है कि गुरु अपनी टोली और एक नाचने वाली को साथ लेकर कहीं दूर भाग गया है। बाबू बख्शी और गोविंदेड़ा दोनों शूट आउट में मारे गए। हाल ही में हुए अंडरवर्ल्ड के शूट आउट में सुखदेव सिंह का ही हाथ है सर। ये सब तुम्हारे उस टीवी इंटरव्यू का असर है, और इससे पहले कि सुखदेव अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन जाए, किल हिम। लेकिन सर उस दिन तो आपने कहा था कि सुखदेव सिंह को खोकर आप टूट गए हैं। वो शब्द मैंने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लिए कहे थे, और ये गोली मारने का आदेश एक प्रोफेशनल किलर के लिए दे रहा हूं। जस्ट शूट हिम। हाँ भाई चलें। ओ, मैं तो सोचता था सुखदेव सिंह बहुत बहादुर आदमी है, लेकिन तुम तो बुजदिल निकले, चोरों की तरह छुप कर वार किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप मुझ पर गोली चला देते। सामान निकाल। ए,
कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। मैं देखता हूँ कितना बड़ा शूटर है ये। चला गोली, हिम्मत है तो चला गोली। डीसीपी साहब के तो आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन तुम तो बाल बच्चेदार आदमी हो। देखो मेरे जवान के साथ कोई हरकत मत करना। तो फिर इनसे कहिए कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करें। चल गाड़ी के अंदर से सामान निकाल के घर के अंदर ले जा। चल। ये मामूली सा सामान मेरे घर में रखकर मुझे रिश्वतखोर साबित करना चाहते हो? चलो अंदर, मैं खुद एंटी करप्शन को फोन करके बुला लेता हूं। फोन लगाने की जरूरत नहीं है सर, मैं यहां पर आपको फंसाने के लिए नहीं, एक वीडियो फिल्म दिखाने के लिए आया हूं। कैसेट लगाओ। मैं जानता था कि आपके घर में टीवी वीसीआर नहीं होगा, इसलिए खुद लेकर आया हूं। ये देखिए। मैं क्या बोलता हूँ चौधरी साहब, देश को मारो गोली, फाइलों का सौदा कर डालते हैं यार। अरे लेकिन संभाल के सरकारी लोगों को खबर ना पड़ जावे। अरे हमने जो गुंडे पाल रखे हैं वो किस दिन काम आएंगे भाई, हैं? क्या बोलते? अरे तो ठीक से बाढ़ और अकाल का माल भी अंदर कर लेते। ठीक है, बाढ़ और अकाल की कमीशन के साथ साथ मुझे फाइलों का हिस्सा भी बराबर चाहिए। हम लोग मुजरिमों के पीछे भागते रहते हैं, उन्हें मारते हैं सर, लेकिन ये वो लोग हैं जो जुर्म को जन्म देते हैं और भ्रष्टाचार की परवरिश करते हैं। ना इन्हें बाढ़ से कुछ लेना देना है, ना अकाल से, ना भूचाल से, बस गिद्ध की तरह ताक लगाए बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और देश को हड़प जाए। तो सब कुछ मैं वर्दी पहन के हासिल नहीं कर सकता था सर, इसलिए मुझे ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। ये रहा मेरा वो सर्विस रिवॉल्वर जिससे मैं कभी मुजरिमों को गोली मारा करता था, और ये रही मेरी वो हथकड़ी जिससे मैं उन्हें गिरफ्तार किया करता था। अब आप चाहें तो मुझे गोली मार दें, और चाहें तो ये हथकड़ी मुझे पहना दें। मेरे बस में होता तो मैं मेडल पहनाता तुम्हें। तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मैं इन देशद्रोहियों को जनता के सामने नंगा करके घुमाऊंगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर, अभी तक आपके सिर्फ ट्रांसफर होते रहे हैं, लेकिन अब ये लोग आपको प्रमोशन देके कश्मीर भेज रहे हैं उग्रवादियों के मोहल्ले में, ताकि पहली फुर्सत में ही कोई उग्रवादी आपको अपनी गोली का निशाना बना ले और इनके रास्ते साफ हो जाए। ये लोग तो मुझे रास्ते से नहीं हटा पाएंगे, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के रास्ते और गलियों का सफाया जरूर करूंगा। मैंने हर बार इन नेताओं को सिर्फ एक ही बात समझाई थी कि आप लोग तो मेरी वर्दी कभी नहीं उतरवा पाओगे, हाँ लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ी मैं खुद ये वर्दी उतार कर आऊंगा, और आज वो जरूरत आन पड़ी है। आज मैं ये वर्दी उतार रहा हूं सुखदेव, क्योंकि इन देशद्रोहियों को मारते वक्त मैं ये पवित्र वर्दी नहीं पहनना चाहता। आज इस देश को फिर एक क्रांति की जरूरत है, और इस क्रांति का शुभ आरंभ हम जैसे लोगों को ही करना होगा। अब मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलूंगा सर। कल मैंने तुमसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए कहा था, आज मैं चाहता हूं कि हम कदम से कदम मिलाकर इस राह पर आगे बढ़ें। जय हिंद साहब। जय हिंद। अगर हम अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ सकते हैं तो तुम्हें खत्म करके फिर से आजादी हासिल कर सकते हैं, और आज मैं इस क्रांति का शुभ प्रारंभ करूंगा, और मेरे देश का नौजवान आने वाले कल की बागडोर संभाल। किस किस से भागेगा तू? मुझसे, पुलिस से, इस देश से, लेकिन खुद से भागकर कहां जाएगा? नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ राज? बहुत भाग लिया मैं, अब और नहीं। किस किस से भागूंगा? दादा से, बहन से, पुलिस से, अपने देश से, लेकिन खुद से भागकर कहां जाऊंगा? कौन कहता है कि तुम खुद से भाग रहे हो? खुद के तो तुम एकदम करीब हो, इतने करीब। नहीं श्वेता, इतना करीब भी नहीं कि मुझे खोकर तुम जी ना सको। हाँ साहब, उसमें से कुछ पैसा नहीं मिला। झूठ बोलते हैं ये लोग। हमने यहाँ का सर्वे किया और बाढ़ पीड़ितों की पूरी पूरी सहायता की, बस इल्जाम लगाते रहते हैं।
बस साले, वादे पर वादे, भाषण पे भाषण, कभी अकाल का मालंदर, कभी बाढ़ का, तो कभी भूचाल का। जिन पर बीतती और बीत रही है वो भले झूठ क्यों बोलेंगे, झूठ तो ये बोलते हैं जिन्हें हर वक्त अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी की चिंता सताए रहती है। क्या हुआ गुरु, तूने किसे गोली मारी? एक नेता को जो झूठ बोले जा रहा था। तो जाके साले के भेजे में गोली उतारना था, अपना ही टीवी क्यों फोड़ डाला? अब यही करूंगा। हमारा नाम मंत्री सत्यनारायण है, हम कोनो कच्ची गोली नहीं खेलता हूँ। इस बार उस डीएसपी का ट्रांसफर नहीं, प्रमोशन होगा, वो भी कश्मीर में। फिलहाल वो हमारी ड्यूटी करेगा। जय हिंद सर। अरे भाई, वो कहा हुआ? डीसीपी भगत पांडे अभी तक आया का है नहीं? सर, मैंने आपके लिए भगत पांडे से बेटर आदमी का बंदोबस्त किया है। अरे मंत्री हम हूँ कि तुम? जी आप ही हैं सर। फिर जब हम कह रहा हूँ कि भगत पांडे चाहिए, तो हमारा बंदोबस्त में भगत पांडे ही चाहिए। सर वो एक देशभक्त ऑफिसर है, और आप जैसे लोगों को इन देशभक्तों से दूर ही रहना चाहिए, वरना कभी भी उधम सिंह और जनरल डायर की कहानी दोहराई जा सकती है। ये जनरल डायर कौन है? बाबू बख्शी गैंग का आदमी का? अरे अपना बिहार के ललनवा से बोल के मरवा देंगे ससुर के नाती को। अरे मंत्री जी, जनरल किसी गैंग में नहीं, मिलिट्री में होते हैं। अपना ही मिलिट्री में का? अरे झूठा केस में फंसवा के सस्पेंड करवा देंगे ससुरा को। मंत्री जी, ये उस जनरल डायर की बात कर रहे हैं जिसे उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह? कुछ सुना सुना सा नाम लग रहा है। अपना ही देश का है का? जी हाँ, और ये भगत पांडे भी उसी राह पर चलने वाला एक देशभक्त है। मुझे डर है कहीं वो आपको गोली ना मार दे। अरे बुड़बक, तो ऐसा बताना चाहिए था ना, अभी हमको जीना है भाई। जियोगे तो तब, अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। याद है एक बार मैंने तुझे कहा था कि जिस दिन जरूरत पड़ी मैं खुद ये वर्दी उतार कराऊंगा। ये वर्दी पहनने के लिए हमें कई साल पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन तुम सिर्फ 4 भाषण और 400 झूठ बोलकर गद्दी हथिया लेते हो, और उस गद्दी को बरकरार रखने के लिए कभी मस्जिद तोड़वाते हो, कभी मंदिर के नाम पर फसाद करवाते हो। अरे अंग्रेजों ने तो इस देश के सिर्फ 2 टुकड़े किए थे, तुमने तो इस देश के इतने टुकड़े कर दिए हैं कि गिनती करना मुश्किल हो गया है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर हैवानियत का नंगा नाच करवाते हो। हम ऑफिसर्स तुम्हारे हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। अरे कमिश्नर साहब, खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, गिरफ्तार करो। करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन एक क्रांतिकारी का मकसद पूरा हो जाने के बाद। अरे तू नहीं बचेगा। आप तो कह रहे थे कि आमची बिरादरी में शामिल हो गए आप। बिरादरी सिर्फ बिरादर से होती है, पर तुम लोग अपनी कुर्सी की खातिर भाई तो क्या इस धरती माता को भी बेचने से नहीं चूकते हो। वहां बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं, और यहां पर तुम अपने नोटों और वोटों की खातिर उनकी लाश को मुद्दा बनाने के लिए निकल पड़ते हो। हाँ, अगर तुम्हारे ऊपर या तुम्हारी पार्टी के ऊपर हल्की सी आंच आ जाए तो तुम पूरा का पूरा शहर बंद करा देते हो, बाजार में आग लगा देते हो, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बनी बनाई सरकारें गिरा देते हो, इस मुल्क को करोड़ों के कर्ज में लाद देते हो। वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी आजादी के छठी के दूध का पैसे को भी छठे दिन हमने ही भेजा था, हमारे सामने सर उठा के इसलिए खड़ा होता है क्योंकि तुम्हें अपनी साठगांठ से फुर्सत ही नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम में से ऐसा कोई नेता है जिसने आजादी के 54 सालों में इस मुल्क के लिए कुछ किया हो? अरे तुम क्या बोलोगे सालो, मैं बोलता हूं तुमने इस मुल्क की राजनीति को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है, और इस मुल्क को गुलामों का बाजार, और राजाओं के जैसे इस मुल्क के ऊपर राज कर रहे हो। स्विस बैंक के अकाउंट, बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, कहां लेकर जाओगे ये सब? कहां लेकर जाओगे ये सब? ध्यान रखना, जिस दिन एक आम आदमी अगर जाग गया ना, तो तुम्हारे पास भागने के लिए जगह तो क्या, तुम्हारी लाश को 2 गज जमीन और 4 लकड़ियां तुम्हारी चिता के लिए नसीब नहीं होंगी। लेकिन इन सोए मुर्दों को जगाएगा कौन? कल इस काम को मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने किया था, आज इसकी शुरुआत हमें ही करनी होगी। मैं उस सुखदेव के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं,
लेकिन हाँ, उसका हम नाम होने की लाश तो मुझे रखनी ही होगी। ऐसा लग रहा मेरी इंफॉर्मेशन की कीमत वसूल होगी। सबको मार दिया मैंने, एक तो ही बचा है बस। वो कमबख्त पिस्तौल कहां गई? कल जिन हाथों ने मुझ पर पिस्तौल ताना था, आज वही हाथ मुझे आशीर्वाद देंगे। हालात ने इसे भटका दिया था, लेकिन रगों में बहता खून इसे देशभक्ति की राह पर वापस ले आया है। भटकाव क्षणिक होता है, लेकिन संस्कार जीवन के अंतिम पलों तक साथ रहते हैं। आपने जो संस्कार दिए थे वो सर चढ़कर बोल रहे हैं। आप क्रांति लाना चाहते थे ना दादाजी, आ चुकी है। तो वो तीनों क्रांतिकारी तुम ही हो? जी हाँ, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। और फिर जब आप जैसा बुजुर्ग इतना बड़ा फैसला ले सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। उस दिन आपके हाथों में पिस्तौल छोड़ते वक्त मैंने आपकी आंखों में वंदे मातरम की झलक देख ली थी। अब आप एक झलक डाल दीजिए हमारी क्रांति के उन मेडल्स और आजादी के प्रतीकों पर, ताकि हम खुशी खुशी इन्हें अपने गले से लगा सकें। यह हमारी अंतिम इच्छा है कि हम बंद कमरे में नहीं बल्कि सबके सामने खुलेआम मौत के इस उपहार को स्वीकार करें। अच्छी लगी तुम्हारी अंतिम इच्छा, वरना शहीदों के नाम इतिहास के पन्नों में से मिटते जा रहे थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये कितनी भी कोशिश कर लें कभी कुछ मिटा नहीं पाएंगे। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब जब भी हमारी आजादी को ऊपर आ जाएगी तब तब सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु यूं ही इस धरती से जन्म लेते रहेंगे। वंदे मातरम। वंदे।